आप सभी को जय श्री हरि। ईश्वर आप सभी का शुभ मंगल करें, आप सभी का कल्याण करें। आइए जानते हैं आखिर किस दिन पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि ग्रंथों में पीपल के पेड़ की पूजा करने से जीवन में सुख शांति समृद्धि आने का वर्णन बताया गया है, परंतु दिन में एक दिन है रविवार, इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए, बाकी 6 दिन करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए रविवार के दिन, क्योंकि एक बार की बात है, लक्ष्मी माँ की बहन जिनका नाम है दरिद्रा, तो वो भगवान श्री हरि के पास गईं और बोलीं कि हे प्रभु, लक्ष्मी को तो सभी चाहते हैं, हमें कोई नहीं चाहता है। हम जहाँ जाते हैं लोग मुँह बनाते हैं और जल्दी हमें वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। हम पूज्य नहीं हैं, आखिर मेरी कम से कम पूजा तो हो कभी ना कभी किसी दिन। भगवान ने कहा, वैसे तो मैं 6 दिन पीपल में निवास करूँगा लक्ष्मी के साथ, परंतु रविवार के दिन केवल तुम्हारा निवास होगा। इसलिए अगर रविवार के दिन जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा करेगा, पीपल के पेड़ की पूजा करेगा, वो तुम्हारी पूजा करेगा और तुम फिर उस व्यक्ति के पीछे पीछे उसके घर में, उसके जीवन में निवास करना। इससे दरिद्रता पर प्रसन्न हो गई और वो खुश होकर के भगवान के चरणों में नतमस्तक हुई। तब से रविवार के दिन पूजा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए दरिद्रता आपके घर में देवी नारायण जो लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो रविवार के दिन आप पूजा ना करें, बाकी 6 दिनों में पूजा करें, पीपल की परिक्रमा करें, जल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का इसके नीचे पाठ करें। इससे शुभ मंगल और कल्याण होगा, आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। अगर कोई ग्रह प्रतिकूल हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठकर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड इत्यादि का पाठ करना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन जलाना चाहिए। इसे शनि देवता अगर कुपित होते हैं तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। तो पीपल के पेड़ की पूजा के बारे में अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। जय श्री हरि, धन्यवाद।